हमारे चैनल के ऊपर ज़्यादा जो लोग सवाल करते हैं वो करते हैं जो हमारे पेट में रोग लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई पेट के संबंधी रोग है, आपका खाना पीना नहीं पचता, आप अपना वजन कम करना चाहते हो, आपकी जो बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो वीक हो चुकी है, आपके शरीर में खून की कमी है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, या आपको कुछ स्किन के संबंधी रोग है, तो आज मैं आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताऊंगा। इनको फॉलो कर लो, आपकी जितनी समस्या है वो सारी की सारी ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है दोस्तों, हमने जीरे का इस्तेमाल करना है। हमारे घरों में किचन में जीरा बहुत आसानी से मिल जाएगा। 2 गिलास पानी के लो, उसको गैस पर रखो। इसके बाद इसमें 1 चम्मच आपने जीरा डालना है। जीरा जो साबुत होता है, इसका पाउडर नहीं डालना, जो साबुत आता है वो आपने 1 चम्मच डालना है। जब तक पानी आधा ना हो जाए, 1 गिलास ना हो जाए, तब तक उसे उबालें, हल्के सेक पर उबालें। इसके बाद पानी को छान लें और इसका सेवन करें। तो भाई देखना आपको कितना फायदा होगा। 10 से 15 दिन आप ये जो जीरे वाला पानी है ये पी लो, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब ये जो जीरे का पानी है, ये पीने का तरीका है, अगर आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करोगे तो आपको पेट के संबंधी जितने रोग है, आपका खाना पीना नहीं पचता, आपको पेट में एसिडिटी बनती है, अपच रहती है, पेट में दर्द रहता है, हमारी जितनी अंदर की नसें होती हैं वहां पर सोज आ जाती है, हमें कब्ज की भी समस्या रहती है, अगर आप जीरे का पानी 10 से 15 दिन ले लोगे तो हमारे शरीर का अगर डाइजेशन सिस्टम खराब है तो वो बेहतर हो जाएगा। यही नहीं, जीरे का सेवन करने से हमारे पेट में और जितने रोग हैं वो भी अपने आप ठीक हो जाएंगे बिना किसी दवा के। अगर आप अपना वजन कम कर रहे हो, उसके लिए आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई दवाई ले रहे हो, तो दवाई खाना छोड़ दो। दवाई की जगह आप क्या करो कि सुबह खाली पेट जीरे का पानी इसका सेवन करना शुरू कर दो। जीरे का पानी पीने से जो हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो वो बढ़ने लगता है। इसके साथ क्या होता है कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक रहता है, हमारा जो वजन है वो बहुत जल्दी से कम होने लगता है। अब बच्चों से लेकर जवान और बूढ़ों तक क्या होता है कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रोल निभाती है। कोरोना में क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीरे का जो पानी था उसका सेवन किया था और कोरोना से बचे थे। तो अगर आप भी जीरे के पानी का सेवन करोगे तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि हमें कोई भी रोग है वो बहुत जल्दी नहीं लगेगा। क्या होता है कि हमने थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, सर्दी जुकाम हो गया, बुखार हो जाता है, एसी में बैठ गए तो हमें बुखार हो जाता है, हमारी जो हड्डियां होती हैं उनमें दर्द होने लगता है। जीरे का पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है हमारी शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जब हमारे पेट में खाने के संबंधी रोग हो जाते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारे शरीर में खून की कमी आने लगती है। तो जो जीरा होता है उसमें बहुत मात्रा में आयरन होता है। अगर आप जीरे का इस्तेमाल शरीर में खून की कमी के लिए कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। दिन में 2 बार आप जीरे का सेवन करो। आपके अगर शरीर में खून की कमी है तो वो 10 या 15 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ ही बहुत लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, तो वो भी जीरे के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरे का पानी क्या करता है कि हमारे शरीर में जो तापमान है उसको निरंतर रखता है, जिससे क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या है उसमें राहत मिलती है। आप सभी को पता है कि अगर हम पानी का सेवन ज़्यादा करेंगे तो अगर हमारे शरीर में कोई स्किन प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, कोर हो जाती है। इसी तरह अगर हम पानी में जीरे का इस्तेमाल करेंगे, आप इसमें जीरे का पाउडर भी डाल सकते हो, साबुत जीरा भी डाल सकते हो। इसका सेवन अगर आप लगातार करोगे तो आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। हमारी स्किन में क्या होता है कि पिंपल हो जाते हैं, डार्क सर्कल हो जाते हैं। जीरे का पानी पीने से आपका जो पेट है वो साफ रहेगा, हमारा जो खून है वो भी साफ रहेगा। पेट साफ होने से, खून साफ होने से हमारी स्किन की जो समस्या है अपने आप ठीक हो जाएगी।